नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजसू विधायक लंबोदर महतो जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, लगातार 2024 के चुनाव में आप लोग सभी लोग जुट चुके हैं, लेकिन 2024 का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थी अब यहाँ पर नई पार्टी बना करके और चुनावी मोड में आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, वर्तमान सरकार पूरी तरह से झारखंड राज्य के युवाओं के जो सपने थे उसको कुचलने का काम कर रही है। इसका कारण स्पष्ट है कि सरकार की नीति और नियत में खोट है। और यही कारण देखे होंगे कि अभी आप 11 नवंबर 2022 से लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय हो गए, दो महत्वपूर्ण विधेयक जो यहाँ के राज्य के 3.5 करोड़ जनता के संबंधित था, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, फिर उसके आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे। 6 महीने में दोनों विधेयक का हस्र देख लीजिए, आज तक कानून नहीं बन पाया। राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक जो पारित हुआ सदन से, आज 6 महीने के बाद भी इसकी स्थिति आप देख लीजिए तो बिल्कुल। और अभी 60-40 ये सरकार 1932 करते करते उसको दोनों डिजिट को उलट करके 23 में आ गई है। और आज देख लीजिए, नियुक्ति करने पर तुली हुई है। नियुक्ति करें हम स्वागत करते हैं, लेकिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को पहले परिभाषित करें, तब फिर नियुक्ति करें। अगर हम लोग बात करें, अभ्यर्थी आप लोगों तक पहुंचे थे एक ज्ञापन लेकर के कि 60-40 में क्या आप लोग उसके विरोध में आप लोगों का समर्थन रहेगा या नहीं, तो उसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों की चर्चा हुई थी? अभ्यर्थी निश्चित रूप से हम लोग झारखंड राज्य में सीधे हम लोगों का स्टैंड क्लियर है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, उसी के आधार पर नियोजित नीति बने। ये 60-40 किसी भी स्थिति में झारखंड राज्य के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। अगर बात करें 2024 को लेकर के जो तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है, संगठन को मजबूत करने की तैयारी चल रही है, अलग अलग जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कुछ इस बार आप लोग सोच रहे हैं 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, 2024 में NDA कमर कस चुकी है और हम लोग पूरी तरह से पूरी रणनीति के साथ 2024 में केंद्र और राज्य दोनों जगह पर NDA की सरकार बनेगी। यहाँ की NDA भी कमर कस चुकी है और यहाँ की जनता भी कमर कस चुकी है कि इस बार हर हालत में केंद्र और राज्य दोनों पर NDA की सरकार बनेगी। विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्षी एकता का हस्र आप देख रहे हैं, ये एक सर्वसम्मति समन्वय स्थापित करके मीटिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, यही है विपक्षी एकता का। तो ये थे हमारे साथ लंबोदर महतो, जिन्होंने तमाम बातें हमारे साथ रखी और साथ ही साथ कहा कि झारखंड में सिर्फ 1932 खतियान ही चलेगा, उसी के आधार पर नियोजन नीति बननी चाहिए। और जहां तक बात रही विपक्षी एकता 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो विपक्ष कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।